चिकित्सा इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं। दौसा के लालसोट से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आयकर विभाग की कार्रवाई देखने को मिली। प्रमुख उद्योगपति के आयकर विभाग ने छापा मारा, तो वही न्यू कॉलोनी में स्थित 3 मकानों पर आयकर विभाग की टीम पहुंची और आयकर विभाग की कार्रवाई के लालसोट पहुंचने को पुलिस को सूचना नहीं मिली। जयपुर से पहुंची आयकर विभाग की टीम लगातार सर्च कर रही है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ दौसा से राजेश कुमार फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजेश, देखिए आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, क्या कुछ अपडेट है अभी वहां से? जी, ऐसे इनकम टैक्स की कार्रवाई को लेकर शहरी क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है, जहां न्यू कॉलोनी स्थित 3 मकानों पर इनकम टैक्स की कार्रवाई लगातार जारी है और बाहर खड़े सुरक्षा गार्ड वगैरह कुछ भी कहने के लिए अभी तक तैयार नहीं है। जी जी राकेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। भरतपुर के रूपवास में अभिभाषक संघ के 3 सूत्रों की मांग को लेकर पूर्व अध्यक्ष जेपी पिराशर के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम राजीव शर्मा को ज्ञापन सौंपा गया और साथ ही शीघ्र समस्या का निराकरण करने की मांग की गई। अधिवक्ता पिराशर ने बताया है कि पिछले काफी समय से बयाना में संचालित एडीजे कोर्ट संख्या 2 को रूपवास मुख्यालय पर स्थानांतरण कराने और साथ ही में एसीजेमेंट कोर्ट स्थापित कराने की मांग जारी है, उसके बावजूद सरकार का इस ओर ध्यान नहीं है। ऐसे में अधिवक्ताओं ने सरकार से आगामी बजट सत्र में समस्या निराकरण की मांग की। इस मौके पर वरिष्ठ अधिवक्ता नीम चंद शर्मा, राजेश शर्मा, प्रेम प्रकाश पराशर भी मौजूद रहे। उपवासक संघ रूपवास की 3 सूत्रीय मांगों को लेकर के आज मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम रूपवास को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें प्रमुखता से बयाना में संचालित एडीजे कोर्ट संख्या 2 को रूपवास मुख्यालय पर स्थानांतरित कराने व एसीजेएम कोर्ट स्थापित कराने के अलावा न्यायालयों के लिए भूमि खसरा नंबर 235 में किस्म परिवर्तन कराते हुए आवंटन कराने की मांग की गई है और ये मांग हमारी पिछले 2 दशक से चली आ रही है। शिक्षक संघ रूपवास की ओर से आज 3 सूत्रीय मांग जो है उपस्थित की गई थी, जिसके तहत पहली मांग उनकी है कि जो एडीजे कोर्ट 2 है वो रूपवास के अंदर स्थानांतरित करवाया जाए, ठीक है, दूसरा के गाँव के सिविल कोर्ट है इसको अपडेट कराया जाए और तीसरा आपके पास पंचायत समिति के नाम चल रही जमीन खसरा नंबर 1035, ठीक है, इसको कोर्ट के लिए आवंटन किया जाए और ये हम प्रपर समिति के माध्यम से राज्य सरकार को भिजवा रहे हैं और जैसा फैसला होगा। इसी के साथ इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं। जोधपुर से इस वक्त की बड़ी खबर समय सामने आ रही है, जहां पर एमबीएम यूनिवर्सिटी में देर रात छात्रों का हंगामा देखने को मिला। 16 छात्रों को यूजी प्रशासन ने किया था कुछ दिन पहले निष्कासित, जिसको लेकर यह हंगामा हुआ। रैगिंग में झगड़े के मामले को लेकर निष्कासित किया गया था। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जोधपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आज से इन परीक्षार्थी की परीक्षाएं शुरू होनी है, जिसको लेकर छात्र बहाली की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता है, दौरान कुछ छात्रों के पानी के टंकी पर चढ़ने की सूचना भी सामने आई है। तस्वीरें आप इस समय देख सकते हैं, जहां सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारी और थाना पुलिस मौके पर पहुंची। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जोधपुर से, जहां एमबीएन यूनिवर्सिटी में देर रात छात्रों का हंगामा देखने को मिला। आपको बताया, 16 छात्रों को विवि प्रशासन ने कुछ दिन पहले निष्कासित किया था, तो वहीं आपको बताया रेगिंग व झगड़े के मामले को लेकर छात्रों को निष्कासित किया गया था। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अफरोज पठान जोधपुर से फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। अफरोज, देखिए छात्रों का हंगामा देखा जा सकता है, क्या कुछ अपडेट है वहां से अभी? कुछ दिन पहले मैम छात्रों को किस मामले को लेकर झगड़ा एमएम कॉलेज में हुआ था, उसमें निष्कासित कर दिया गया था। देर रात तक वो टंकी पानी की टंकी पर चढ़े थे और उन्होंने उनकी मांग ये थी कि हमें निष्कासित नहीं किया जाए। उस केस के अंदर
हमारा कोई लेना देना नहीं उस झगड़े को केस को लेके, लेकिन उस समय तक रात तक ना तो कोई बड़ा अधिकारी प्रशासन से आया गया था और ना कॉलेज से कुछ अधिकारी आए गए थे, और अभी भी यथास्थिति है, सुबह के समय भी वो टंकी के ऊपर भी चढ़े हुए हैं। जी अजय अफरोज, जानना चाहिए कि छात्रों की मांग क्या है, अभी क्या कुछ कहना है छात्रों का? छात्रों का कहना यह है कि जिस मामले को 16 कुछ दिन पहले जो झगड़ा हुआ था, उस मामले के अंदर उनका कोई लेना देना नहीं है, उनके साथ में जो लड़के थे उनके द्वारा किया गया था, हमारे द्वारा कुछ भी इस मामले के अंदर नहीं है, और हमें बेवजह इनको निष्कासित कर दिया गया है। इस चीज को लेके उनकी मांग है कि हमें वापस लिया जाए कॉलेज के अंदर, और हमारे एग्जाम है क्योंकि आज सुबह ही 10 बजे एग्जाम होने हैं, और अभी की स्थिति यह है कि वापस छात्रों को नहीं लिया गया है, उनको वापस उसी टंकी के ऊपर वो चढ़ चुके हैं। अजय अफरोज, आपने बताया कि 10 बजे एग्जाम शुरू होना था, 10:30 बजने को आ चुके हैं, कॉलेज प्रशासन अभी क्या कुछ कह रहा है? कॉलेज प्रशासन से अभी कुछ भी ऐसा नहीं आया है, इसी वजह से अभी वापिस छात्र पानी की टंकी पर वापिस चढ़ चुके हैं। जी अफरोज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।